हेलो गाइस, आज मैं अपने प्यारे राज्य झारखंड के बारे में बात करने जा रही हूँ। यहाँ के घने वन जंगल, नदी, नाला, झील, झरना और शांत माहौल मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। झारखंड अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के लोक त्योहार, खान पान, नृत्य संगीत अध्ययन का केंद्र बिंदु रहे हैं। यह राज्य पर्यटन के लिहाज से भी काफी समृद्ध है। यहाँ देखने और घूमने फिरने के लिए बहुत से स्थल मौजूद हैं। आप यहाँ एक शानदार अवकाश अपने दोस्तों या परिवार के साथ बिता सकते हैं। तो चलिए झारखंड की सैर पर चलते हैं। टाटा स्टील द्वारा निर्मित जुबली पार्क जमशेदपुर न्यायालय परिसर के समीप स्थित है। पार्क जमशेदपुर पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। हरा भरा जुबली पार्क फूलों, बगीचों और जगमगाते झरनों से ढका है। ये टाटा स्टील कंपनी द्वारा अपनी स्वर्ण जयंती पर जमशेदपुर के लोगों को उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। ये शहर की सीमा के अंदर एक बड़ा आकर्षण है और किसी भी दिशा से यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। शहर के इस केंद्रीय पार्क के निर्माण की शुरुआत 1937 में श्री एस लैंकास्टर के निर्देशन में शुरू किया गया था। नेत्रहाट झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है और इसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। रांची से ये करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकृति ने इसे बहुत ही खूबसूरती से संवारा है। यहाँ पर लोग सूर्योदय व सूर्यास्त देखने आते हैं। ये नज़ारा नेत्रहाट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर आकर्षक ढंग से देखा जा सकता है। नेत्रहाट में गर्मी के मौसम में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। वैसे तो सालों भर यहाँ ठंड का मौसम बना रहता है। घने जंगल के बीच बसे इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पर्यटक यहाँ आने पर प्रसिद्ध नेत्रहाट विद्यालय, लोध झरना, ऊपरी घाघरी झरना तथा निचली घाघरी झरना देखना नहीं भूलते हैं। पहाड़ी मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक मंदिर है। मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पूरे रांची शहर को मंदिर से देखा जा सकता है। पहाड़ी मंदिर की कहानी बेहद ही रोचक है। पहाड़ पर स्थित भगवान शिव का यह मंदिर देश की आज़ादी के पहले अंग्रेजों के कब्जे में था और वो यहाँ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया करते थे। आज़ादी के बाद से ही इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन इस मंदिर पर धार्मिक झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडे को भी फहराया जाता है। ये देश का पहला मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है। पार्क में वन्य जीवन की एक विस्तृत विविधता है। बेतला निम्न शब्दों का संक्षिप्त नाम है: बाइसन, हाथी, शेर, तेंदुआ, धूरी अक्ष, चितल। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पुराने नेशनल पार्क में से एक है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के बल पर दूर दराज के सैलानियों को यहां आने का आमंत्रण देता है। इस उद्यान में आपको जंगली हाथी बिना किसी रोक टोक के घूमते फिरते दिख जाएंगे। ये वन्य क्षेत्र न सिर्फ वाइल्ड लाइफ का रोमांचक अनुभव देता है बल्कि एक समृद्ध जनजातीय विरासत की गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। 17वीं शताब्दी का जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर की पहाड़ी पर स्थित है। ये रांची से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसे बड़कागढ़ जगन्नाथपुर रियासत के ठाकुर रानीनाथ सहदेव ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुशिल्पीय बनावट पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मिलती जुलती है। यहाँ हर साल जून और जुलाई के महीने में पुरी की तरह ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आते हैं। कैनेरी हिल हजारीबाग शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। पहाड़ के शीर्ष पर एक डाक बंगला है। यहाँ से हजारीबाग का पूरा दृश्य देखा जा सकता है। इस पहाड़ पर 3 झीलें भी हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। पहाड़ पर एक इमारत का निर्माण किया गया है। इस इमारत से हजारीबाग के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये दृश्य इतने खूबसूरत होते हैं कि पर्यटक इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करना नहीं भूलते।
ये एक सुंदर पिकनिक स्थान है और किसी भी मौसम में इसका दौरा किया जा सकता है। देवरी मंदिर भारत में झारखंड में रांची के पास तामार के दिवरी गांव में स्थित एक मंदिर है। ये टाटा रांची हाईवे के पास स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा काली की 700 साल पुरानी मूर्ति है। मूर्ति के 16 हाथ हैं। बताते हैं कि मां के इस मंदिर का मूर्ति ओडिशा की मूर्ति कला पर आधारित है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पूर्व मध्यकाल में तकरीबन 1300 में सिंहभूम के मुंडा राजा केरानी युद्ध में परास्त होकर लौटते समय की थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि मंदिर की स्थापना करते ही राजा को उनका खोया हुआ राज्य सिंहासन वापस मिल गया था। दशम जलप्रपात रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। दशम जलप्रपात का असली नाम दासोम है। दासोम शब्द स्थानीय मुंडारी भाषा का है। दा का अर्थ पानी और सोम का अर्थ जमाव होता है। इस झरने का मुख्य जल स्रोत नदी कचनी है जो यहाँ 144 फीट की ऊंचाई से आता है। इस गिरावट की अनूठी विशेषता यह है कि जब झरना देखा जाता है तो 10 पानी की धाराएं भी गिरती दिखाई देती हैं। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि यह 5000 साल से भी अधिक पुराना है। गुफा का इस्तेमाल बादम के राजा किया करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब राजा की शादी हुई रात मनाई थी। यही वजह है कि गुफा के पास की चट्टानों पर आज भी कोहबर कला जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है उकेरे हुए। तब इस गुफा के पास उन्होंने रानी के साथ सुहाग दिखते हैं। पारसनाथ पर्वत झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने यहां पर मोक्ष प्राप्त किया था। 4430 फुट ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित पत्रातू एक खूबसूरत घाटी शहर है जो अपने मनमोहक परिवेश पहाड़ी सुंदरता और बांधों के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ी स्थल हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है जिसे घुमावदार सड़कें आकर्षक बनाने का काम करती हैं। ये पहाड़ी स्थल अपने पत्रातू बिजली संयंत्र के लिए भी काफी लोकप्रिय है। पत्रातू थर्मल पावर स्टेशन को पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से पत्रातू बांध का निर्माण किया गया था। नलकारी नदी और इस बांध के आसपास की पहाड़ियों के झरनों से गिरने वाला पानी इस बांध में जमा हो जाता है। पत्रातू जाने वाले पर्यटकों को सबसे अधिक उत्साह उत्पन्न करने वाले अनुभवों में से पत्रातू बांध के जलाशय में शांतिपूर्ण नाव की सवारी भी है। पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक गेस्ट हाउस है। पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार कमरों या शयनगृह में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक सुंदर पर्यटन स्थल है और पूरे वर्ष विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान लोगों का एक बड़ा सदस्य पिकनिक के लिए यहाँ जाता है। दलमा अभयारण्य झारखंड के जमशेदपुर रांची और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बीच बसा पूर्वी भारत का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य को खास तौर पर हाथियों के संरक्षण के लिए चुना गया है। झारखंड के राजकीय पशु हाथियों के झुंड और विलुप्त प्रजाति के पक्षियों के चहचहाहट से मिलकर बनता है जमशेदपुर जिले का दलमा अभयारण्य। विशालकाय वृक्ष और पशु पक्षियों की उपस्थिति का प्रमाण देता हुआ वातावरण आपको जंगल के अनूठे सौंदर्य का परिचय देता है। घने जंगलों और प्राचीन स्वर्ण रेखा नदी से घिरे एवं आसपास के क्षेत्रों के शानदार दृश्यों के साथ जमशेदपुर स्थित दलमा पहाड़ी रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग के लिए आदर्श माना जाता है। दलमा वाइल्ड लाइफ अभयारण्य वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। वन विभाग और टिस्को के दलमा पहाड़ी गेस्ट हाउस शीर्ष पर स्थित है। पहाड़ी पर छोटे छिपे हुए तालाबों के पास बनाया गया है जो जानवरों को पीने के पानी के लिए वहां पहुंचने में सक्षम बनाता है जिससे पर्यटकों को घनिष्ठ झलक मिलती है। जंगली हाथी हिरण बाघ इस अभयारण्य में पाए गए जानवर हैं। 193 वर्ग किलोमीटर में फैले दलमा पहाड़ में करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर में गुफा में भगवान शिव का प्राकृतिक मंदिर है। इन्हें जमशेदपुर का संरक्षक देवता भी कहा जाता है।
सावन में मंदिर को भव्य तरीके से सजाकर यहां पर पूजा अर्चना की जाती है। झारखंड प्रदेश में स्थित धनबाद से 47 किलोमीटर दूर मैथन बांध दामोदर वैली कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जलाशय है। इसके आसपास का सौंदर्य पर्यटकों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बराकर नदी के ऊपर बने इस बांध का निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए किया गया था। बांध के नीचे एक पावर स्टेशन का भी निर्माण किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आप में आधुनिकतम तकनीक का उदाहरण माना जाता है। 15,712 फीट लंबे और 165 फीट ऊंचे इस बांध से 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। नौलखा मंदिर देवघर शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर स्थित है और अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नौलखा मंदिर का निर्माण 1940 में कोलकाता के एक शाही परिवार पथुरिया घाट की रानी चारुशीला द्वारा 9 लाख रुपए के दान से किया गया था, इसलिए मंदिर का नाम नौलखा रखा गया है। इसकी वास्तुकला कोलकाता में बेलूर मठ की तरह दिखती है और इसका नजारा पर्यटकों के लिए वास्तुशिल्प रूप से भव्य है। मंदिर में राधा और कृष्ण की सुंदर मूर्तियां हैं। इसमें संत बालानंद ब्रह्मचारी की एक मूर्ति भी है। जोहार झारखंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।